बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए चलिए हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग कक्षा 9वीं की गणित विषय पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? कक्षा 9वीं की गणित विषय पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आज तक हम लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ते थे। ऑफलाइन क्लास मतलब कहने का मतलब किसने किसी स्कूल में जाते थे और हम लोग वहां पे 9वीं कक्षा में पढ़ते थे, लेकिन अभी अभी हमें अवंती के बारे में पता चला। किसके बारे में पता चला है? अवंती के बारे में पता चला है। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये अवंती है क्या। बहुत बच्चों के मन में ये सबसे पहला प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये अवंती है क्या, और ये हमें कैसे पता चलेगा कि अवंती है क्या, और ये हमें ऑनलाइन क्लास कैसे दे रही है। ठीक है। चलो तो मैं क्या करता हूं, इसको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा चलिए आपके स्कूल का कुछ ना कुछ नाम जरूर होगा। चलिए एक बार सारे बच्चे कंफर्म करेंगे। कोई एक बच्चा माइक ऑन करेगा और बताएगा कि आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। कोई एक बच्चा माइक ऑन करेगा और बताएगा कि अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। दिख रही है आपको मेरी स्क्रीन? यस सर। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो ये आपकी क्या है, ये आपकी स्कूल हो गई। ठीक उसी प्रकार आपकी स्कूल में कोई ना कोई आपकी क्लासरूम होगा। कोई ना कोई आपका क्लासरूम होगा। क्लासरूम का नहीं मतलब कोई ना कोई आपकी कक्षा होगी। कक्षा 9वीं, क्लास 9 होगी। कक्षा 9वीं कक्षा होगी आपकी, 9वीं कक्षा है ना। ठीक उसी प्रकार आप मान लो कि यहाँ पे जो अवंती है वो आपकी ऑनलाइन क्लास है। कौन सी स्कूल है? आपकी ऑनलाइन स्कूल है। और ये जो आपकी स्कूल थी ये कौन सा स्कूल था? ये आपका ऑफलाइन स्कूल था, जहां पे आप पढ़ने जाते हो। उस स्कूल का कुछ ना कुछ नाम होगा। ठीक उसी प्रकार जब हम लोग ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं तो इस ऑनलाइन क्लास का नाम है, ऑनलाइन स्कूल का नाम है अवंती। ऑनलाइन स्कूल का नाम क्या है? अवंती। और इस अवंती में जो कक्षा है उस कक्षा का नाम क्या है? न्यू। उस कक्षा का नाम क्या है? न्यू। यानी यहाँ पे आपके ऑनलाइन क्लास में, यहाँ पे आपके ऑनलाइन क्लास में जो है अवंती की जो स्कूल है, यहाँ पे आपकी 9वीं कक्षा किससे बताया जाएगी? न्यू के नाम से जानी जाएगी। यानी यहाँ पे आपकी 9वीं कक्षा किससे बताई जाएगी? न्यू के नाम से जानी जाएगी। ठीक है। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर मेरी कक्षा का नाम न्यू ही क्यों पड़ा, न्यू ही क्यों रखा गया। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए न्यू का मतलब होता है जब। न्यू का मतलब क्या होता है? जब। रूट क्या मतलब होता है? न्यू का मतलब होता है जब, रूट। कहने का मतलब कि अगर एक उदाहरण के जरिए मैं आपको समझाऊं कि अगर हम कोई मकान बनाते हैं, अगर उसका जड़ मजबूत नहीं होगा तो क्या होगा? टूट जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, कोई भी मकान बनाने से पहले उसका जड़ हम लोग मजबूत करते हैं। अगर मकान का जड़ मजबूत होता है तो वो कभी भी मकान जो है टूटेगा नहीं, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि वह कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे आपको जो विद्यार्थियों के गणित के कंसेप्ट पढ़ने के लिए बहुत ही जरूरी होगा। ठीक है। बहुत ही आवश्यकता आवश्यक होगी। क्यों? क्योंकि बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि सर गणित विषय बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही हार्ड होता है। उनको ये हार्ड इसलिए लगता है क्योंकि उनको ये नहीं समझ में आता है कि सर मैं इसको शुरू कैसे करूं। जैसे कि मान लीजिए आप कक्षा 9वीं कक्षा में पहुंच गए, 9th में पहुंच गए हैं, और आपको 6, 7, 8 की 9th में आने वाले जो भी गणित के सब्जेक्ट में जो भी आपके चैप्टर हैं, अगर उसमें 6, 7, 8 के कंसेप्ट आएंगे तो आपको वो नहीं पता होगा, तो आपको 9th के मैथ बनाने में आपको दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी। तो
हम लोग क्या करने वाले हैं, आपका जड़ मजबूत करने वाले हैं। जड़ मजबूत करने का मतलब कि हम लोग 6, 7, 8 से संबंधित जो भी कंसेप्ट 9th कक्षा में उपयोग में आने वाले हैं, उन सारे कंसेप्ट को साथ के साथ पढ़ाते जाएंगे। तो इसलिए मैंने लिख रखा है कि उन सारे कंसेप्ट को हम पढ़ाएंगे जिनको आपको गणित पढ़ने में सबसे ज्यादा आवश्यक होने वाली है। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया हो क्या है और ये क्यों जरूरी है। तो देखिए कैसे हम लोग करेंगे, देखिए बहुत ही आसान है। जैसे कि अभी तक आप लोग क्या कहाँ जा रहे थे पढ़ने, अभी तक आप नहीं स्कूल में जा रहे थे। कहाँ मिल रहा है मौका, तो पढ़ने का मौका मिल रहा है। ठीक है, तो अब सोचेंगे, बहुत बच्चे ये सोचेंगे मिनट वेट करेंगे एक सर मिनट बच्चे, वेट एक करेंगे मिनट सर वेट बच्चे, करेंगे एक सर मिनट बच्चे, वेट करेंगे सर बच्चे। चलिए अब बहुत बच्चे ये सोचेंगे कि सर ये ऑनलाइन क्लास में हम लोग किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं हम आपको आदत डालेंगे कि किस प्रकार से आपको ऑनलाइन क्लास में पढ़ना है। दूसरा कि बहुत बच्चों को तो गणित विषय पढ़ने में मन नहीं लगता है। क्यों नहीं मन लगता है, क्योंकि उनको दैनिक जीवन से संबंधित उदाहरण के साथ नहीं पढ़ाया जाएगा जाता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कोशिश करूंगा कि आपको दैनिक जीवन से संबंधित आपको उदाहरण दे के मैथ की विषय को समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको गणित में रुचि बरकरार रहे। अगर आपको गणित में पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा तो गणित कैसे पढ़िएगा, इस बात पर हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए अब रही बात की हमें कैसे पढ़ना है। तो जिस प्रकार से आज आप अपनी कक्षा में किसके जरिए जुड़े हुए हैं, गूगल मीट के जरिए जुड़े हुए हैं, उसी प्रकार से हम लोग हमेशा सप्ताह में 3 दिन, कौन कौन से दिन, मंगलवार, कौन कौन से दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, कौन कौन से दिन पढ़ने वाले हैं, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, कौन कौन से दिन, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, इन 3 दिनों में हम लोग, इन 3 दिन, सप्ताह के इन 3 दिन को हम लोग अपनी क्लास पढ़ने वाले हैं। कितना दिन पढ़ने वाले हैं, 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, किसके माध्यम से, तो जिस प्रकार से आज अपनी क्लास आपने ज्वाइन किया है उसी के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से। ठीक है, सही बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब आती है बात कि आप जिस स्कूल में पढ़ने जा रहे हो, मान लीजिए आपका स्कूल था, आप इस स्कूल में पढ़ने जा रहे थे, आपका कोई ना कोई क्लासरूम होगा क्लास 9 का, है ना, और उसमें कोई ना कोई शिक्षक होंगे, कोई ना कोई टीचर होंगे, कोई ना कोई शिक्षक होंगे। अब रही बात, तो उस शिक्षक के बारे में आपको सभी कुछ पता होगा। अब रही बात यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके स्कूल का नाम तो अवंती है, इस स्कूल का नाम क्या है, अवंती, और आपके क्लास का क्या नाम है, न्यू कार्यक्रम, न्यू नाम है। और रही बात की आपकी शिक्षक, तो आपका शिक्षक यहाँ पे मैं हूँ। तो जैसे कि आप अपने स्कूल में जाते हैं तो आपके शिक्षक के बारे में पता होगा, गणित विषय जो आपको पढ़ाते होंगे कि हाँ मेरे शिक्षक का नाम ये है, वो बहुत अच्छा पढ़ाती है, उनका क्या एक्सपीरियंस है। तो ठीक उसी प्रकार चलिए मैं अपने बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ताकि आपको मेरे बारे में पता रहे कि मैं क्या पढ़ाऊंगा और मैं कितना दिन से आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि मुझे इतना दिन का एक्सपीरियंस है तो मैं आपको आसानी से पढ़ा सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए मेरा नाम स्वराज कुमार वर्मा है, मैं सीवान बिहार राज्य का निवासी हूँ और मैंने बीटेक की पढ़ाई जो है NIT राउरकेला से किया हुआ है। ठीक है, और मैं पिछले 4 वर्षों से गणित विषय पढ़ाते आ रहा हूँ। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे गणित पढ़ाने का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको ऐसा ऐसा उदाहरण के जरिए समझाऊंगा ताकि आपको गणित पढ़ने में कोई भी परेशानी ना हो। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मेरा नाम जो है स्वराज कुमार वर्मा है, मैं सिवान जिले का निवासी हूँ और मैंने अपनी बीटेक की पढ़ाई जो है NIT राउरकेला से किया हुआ है और मैं पिछले 4 वर्षों से गणित पढ़ाते आ रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया सर बच्चों को। चलिए
अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो जैसे कि बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सर मुझे चैट बॉक्स बारे में नहीं पता है, या मुझे कुछ भी गूगल मीट के बारे में नहीं पता है। हो सकता है आज पहली बार आप क्लास में पहली बार गूगल मीट के साथ जुड़े होंगे, तो आपको नहीं पता होगा, ठीक है। चलिए, तो मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूँ, तो सारे के सारे बच्चे कहीं भी ध्यान ना देकर डायरेक्ट स्क्रीन पर ध्यान देंगे। जैसे आपने मोबाइल गूगल मीट के साथ कनेक्ट किया होगा, पहली बार ओपन किया होगा, तो आपका स्क्रीन इस प्रकार से दिख रहा होगा, जहां पे मैं वन डाल रहा हूँ, आपको अपना स्क्रीन इस प्रकार से दिख रहा होगा, सभी को दिख रहा होगा, सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे कॉर्नर में देखिए, कॉर्नर में देखिए यहाँ पे आयत के जैसा ऐसा बना हुआ है, जिसे मैंने जूम करके रखा है, कॉर्नर में देखिए आप लोग यहाँ पे ऐसा बना हुआ है, ठीक है। आपको क्या क्या करना है, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा, जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा, आपको ये दो नंबर वाली स्क्रीन देखने लगेगी। जैसे आप उस पे क्लिक कीजिएगा, आपको ये दो नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी। जैसे आपको वो दो नंबर वाली स्क्रीन दिखे, उस समय आपको क्या करना है, उस समय आपको क्या करना है, आपका स्क्रीन जो है बड़ा बड़ा हो जाएगा। बड़ा बड़ा हो जाने का मतलब ये है कि पहले जो हम लिख रहे थे आपको छोटा छोटा दिख रहा था, क्योंकि उस समय स्क्रीन छोटी थी, लेकिन जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपका स्क्रीन बड़ा हो जाएगा, और जो भी मैं लिखूंगा वो बड़ा बड़ा आपको दिखेगा। तो सबसे पहले सारे बच्चे यहाँ पे क्लिक करेंगे, सभी सभी बच्चे यहाँ पे क्लिक करेंगे, और जिन बच्चों ने नहीं किया है जल्द से क्लिक कीजिए। सारे बच्चों ने कर लिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि बहुत बच्चे बोल रहे हैं, सर हमें नाम कहाँ लिखना है, चलिए वो बता देते हैं। जैसे आपको ये दो नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी, तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि आज की कक्षा में कोई भी बच्चा नहीं, सारे बच्चे बहुत ही समझदार हैं, आपको हमेशा म्यूट मोड पे रहना है। जब भी क्लास ज्वाइन करना है इसको दबा देना है, ताकि आप हमेशा म्यूट मोड पे रहो, हमेशा आपकी आवाज बंद रहे। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप ऑफलाइन स्कूल में पढ़ने जाते हो, तो अगर टीचर सामने बोर्ड पे पढ़ा रहे होंगे, तो आप पीछे से अगर शोरगुल करते हो तो क्लास पूरा डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक उसी प्रकार अगर आप यहाँ पे अपना माइक ऑन करोगे तो क्लास पूरा डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि एक से ज्यादा बच्चे यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो अगर कोई भी एक बच्चा माइक ऑन करता है तो पूरा क्लास में नॉइज होता है और बाकी बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप लोग अपना माइक हमेशा बंद रखिएगा, ठीक है। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ मेरे सभी बच्चे बहुत ही समझदार है, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं किया था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या क्लास में क्या होता है, अपने स्कूल में क्या होता है कि अगर आपको कोई भी डाउट पूछना होता है तो आप क्या करते हैं, अपना हाथ खड़ा करते हैं और अपने शिक्षक से अपना डाउट पूछ लेते हैं, बोलते हैं कि सर मुझे ये डाउट है। लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में आपको कैसे करना है वो चीज, चलिए वो भी बता देते हैं। तो आपको माइक ऑन करके अपना डाउट नहीं पूछना है, कैसे पूछना है चलिए मैं बताता हूँ। तो देखिए, जैसे आपको ये दो नंबर वाली स्क्रीन दिख रही थी, जैसे आपको ये दो नंबर वाली स्क्रीन दिख रही थी, देखिए उसके कॉर्नर में देखिए यहाँ पे तीन बिंदुएं दिख रही हैं। कॉर्नर में क्या दिख रही है आपको, तीन बिंदुएं दिख रही हैं। तो इस तीन बिंदु पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस तीन बिंदु पे क्लिक कीजिएगा, आपको ये तीन नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब ये आपको दो नंबर वाली स्क्रीन दिख रही थी, जैसे आपको ये दो नंबर वाली स्क्रीन दिख रही थी, देखिए कॉर्नर में क्या है, तीन बिंदुएं दिख रही है। इस तीन बिंदु पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस तीन बिंदु पे क्लिक कीजिएगा, आपको ये तीन नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी। जैसे आपको ये तीन नंबर वाली स्क्रीन दिखे, वहां पे देखिए नीचे क्या किसका ऑप्शन है, इन कॉल मैसेज का ऑप्शन है। किसका मैसेज का ऑप्शन है, इन कॉल मैसेज का ऑप्शन है। किसका ऑप्शन है, इन कॉल मैसेज का ऑप्शन है। तो यहीं पे जाकर आपको अपना डाउट पूछना है। चलिए एक बार सारे बच्चे क्या कीजिए, यहाँ पे तीन प्लस चार बराबर कितना होता है, सभी बच्चे यहाँ पे जाकर करेंगे, सभी के सभी बच्चे जल्दी से जल्दी यहाँ पे जा करेंगे, तीन प्लस चार कितना होता है। तो यही इसी कॉल इन कॉल मैसेज में जाकर बताएंगे, सर बच्चे तीन प्लस चार कितना। बताएंगे सारे के सारे बच्चे बताएंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सात होता है, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जिन बच्चों को अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। देखिए आपके स्क्रीन पे ये दो नंबर वाली स्क्रीन दिख रहा था, इस दो नंबर वाली स्क्रीन पे देखिए नीचे क्या है, तभी आपको दो नंबर वाली स्क्रीन दिखी है, नीचे क्या है, तीन बिंदु दिख रहा है। इस तीन बिंदु पे जब आप क्लिक कीजिएगा, आपको ये तीन नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी। जैसे आपको ये तीन नंबर वाली स्क्रीन दिखे, आपको देखिए नीचे ऑप्शन दिख रहा है इन कॉल मैसेज का, इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जाके आपको तीन प्लस चार कितना होता है,
सात होता है और सात आपको टाइप कर देना है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आपको यहाँ पे जाकर अपना सवाल पूछना होगा, अपना डाउट पूछना होगा, ठीक है। तो अब अगली कक्षा से जब भी मैं बोलूँ कि सभी बच्चे अपना नाम टाइप करेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना नाम टाइप करना है। चलिए एक बार सारे बच्चे करेंगे टाइप अपना नाम, जितने बच्चे ज्वाइन किए सारे बच्चे को जल्दी से टाइप करेंगे चैट बॉक्स में अपना नाम, जितने बच्चे ज्वाइन किए हैं सारे के सारे बच्चे जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में अपना नाम टाइप करेंगे, सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारे बच्चों को करना है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे सारे बच्चे जो हैं, सभी बच्चों को ये पता चल गया कि हमें अपना नाम कहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। अगर एक ही आईडी से दो तीन बच्चे ज्वाइन किए हैं तो दो तीन बच्चे जो है अपना नाम एक ही साथ टाइप कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तब अगली कक्षा से जैसे आपको क्लास में एंट्री लेना है अपना नाम टाइप कर देना है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब रही बात कि जब अपने क्लास में अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हाथ खड़ा करके पूछ लेते हो, तो यहाँ पे कहाँ पूछना है आपको, इन कॉल मैसेज जाकर अपना डाउट पूछ लेना है। अब रही बात कि अगर आपके क्लास में आपके शिक्षक को आपसे कोई सवाल पूछना होता है तो किस प्रकार से पूछते हैं, तो आपको खड़ा कर देंगे और नाम आपको पुकारेंगे और आपसे डाउट पूछ लेंगे। अब रही बात यहाँ पे मुझे अगर आपसे कोई डाउट पूछना होगा तो मैं कैसे पूछूंगा, तो चलिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन सा फीचर लेकर आऊँ गूगल की तरफ से, बहुत ही अच्छा सा, कौन सा है वो है पोल सेक्शन। वो क्या है, पोल सेक्शन, आपको मेरे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन को उत्तर हमेशा पोल सेक्शन में जाकर देना है। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर ये पोल सेक्शन कैसे आता है, चलिए मैं वो भी सिखाता हूँ। जैसे आपको ये जब तीन नंबर वाली स्क्रीन दिख रही थी, कैसे आ रहे थे तीन नंबर स्क्रीन, आपके कॉर्नर में तीन बिंदु दिख रहे होंगे, उस तीन बिंदु पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप तीन बिंदु पे क्लिक करोगे आपको ये तीन नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी। जैसे आपको ये तीन नंबर वाली स्क्रीन दिखे, देखिए नीचे किसका ऑप्शन दिख रहा है, एक एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा है, किसका ऑप्शन दिख रहा है, एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखने लगे, जैसे आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखने लगे आपको इस पे क्लिक करना है। क्या करना है आपको, एक्टिविटीज पे क्लिक करना है। जैसे आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे आपको पोल का ऑप्शन दिखने लगेगा, आपको पोल का ऑप्शन दिखने लगेगा। जैसे आप पोल सेक्शन पे क्लिक करोगे, जैसे आप पोल सेक्शन पे क्लिक करोगे, जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर वन पूछा, अगर उसका जो भी ऑप्शन सही होगा, जैसे मान लीजिए ऑप्शन बी सही है, मैं ऑप्शन बी पे क्लिक करूंगा, जैसे मैं क्लिक करूंगा ये क्या होगा, नीला हो जाएगा, नीला हो जाएगा वोट, तो यानी हम यहाँ से जाकर वोट दे देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको दबा देंगे, इसको क्लिक कर देंगे, दबा देंगे, ठीक है। चलिए जैसे हम इसको दबाएंगे तो आपका उत्तर जो है मेरे पास चला आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके द्वारा पूछे गए जो क्वेश्चन, मेरे द्वारा जो पूछे गए क्वेश्चन होगा उसका उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। समझ में आ गया सर बच्चों को, अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया तो जल्दी चैट बॉक्स में वाइट करेंगे, एक बार चैट बॉक्स बोलो, कमेंट सेक्शन बोलो, उसका मतलब होता है इन कॉल मैसेज, वाई टाइप करेंगे सर बच्चे, अगर यहां तक सारे बच्चे समझ में आ गए तो, ठीक है, आगे समझ में। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो चलिए मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन बोल रहा है कि हम ऑनलाइन क्लास जो है सप्ताह में कितने दिन पढ़ा करेंगे, हम लोग ऑनलाइन क्लास जो है सप्ताह में कितने दिन पढ़ा करेंगे, ठीक है। चलिए तो इसका उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। ऑप्शन आपके पास चार ऑप्शन है, प्रतिदिन, दो दिन, तीन दिन, पांच दिन, और इसका उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। जल्दी इसका उत्तर कीजिए सर बच्चे, इसका उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है, जल्द कीजिए सर बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने नहीं किया जल्द से करेंगे सर बच्चे, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, देखिए कैसे आपका पोल सेक्शन आएगा, आपके मोबाइल के स्क्रीन पे कॉर्नर में, राइट हैंड साइड कॉर्नर में आपको तीन बिंदुए दिख रही होगी, उस तीन बिंदु पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस तीन बिंदु पे क्लिक करोगे आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा, जैसे आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखे आप उस पर क्लिक करो, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपको पोल सेक्शन का ऑप्शन दिखेगा, उस पोल पे क्लिक करोगे तो आपको इस क्वेश्चन वन दिखेगा और चार ऑप्शन दिखेगा, तो इस चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही होगा उसको वहां पे आपको जाकर भर देना है, ठीक है। चलो लास्ट 30 सेकेंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया,
लास्ट 30 सेकंड जिन बच्चों ने नहीं दिया अभी तक पोल सेक्शन उत्तर जल्द करेंगे। चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि मेरे उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी से चैट बॉक्स में उत्तर नहीं पोल सेक्शन उत्तर करेंगे। चैट बॉक्स में नहीं करना, पोल सेक्शन में करना है, ठीक है। चलिए 5 4 3 2 1 चलिए देख लेते हैं। बहुत बढ़िया, मतलब अधिकतर बच्चों ने पोल सेक्शन में इसका उत्तर कर दिया है, ठीक है। कितना दिन हम लोग पढ़ेंगे? 3 दिन। कौन कौन से दिन पढ़ेंगे? मंगलवार, ठीक है, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। कौन कौन से दिन पढ़ेंगे? मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। तो हम लोग इन 3 दिन पढ़ेंगे हर एक सप्ताह में। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है, ठीक है। चलिए ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है, एक और प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है, और उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर भी सारे बच्चे पोल सेक्शन में जाकर देंगे। ये मैं बेसिकली चाहता हूं कि आपको पोल सेक्शन का आदत हो जाए कि पोल सेक्शन कैसे आता है और किस प्रकार से हम लोग पोल सेक्शन जाके उत्तर करते हैं, ठीक है। क्योंकि आने वाले हम लोग जो भी क्लासेस होने वाली है उसमें जो भी क्वेश्चन पूछूंगा उसका उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। एक मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जिन बच्चों को पोल सेक्शन थोड़ा बहुत भी डाउट रह गया है वो बच्चे क्या करेंगे, मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और उसको उसी के हिसाब से उत्तर करेंगे। जैसे कि आपको आपके स्क्रीन के कॉर्नर पे 3 बिंदुएं दिख रही होगी, उस 3 बिंदु पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस 3 बिंदु पे क्लिक करोगे आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा, आपको एक्टिविटीज पे क्लिक करना है। जैसे आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे पोल सेक्शन का ऑप्शन आएगा, पोल सेक्शन में क्लिक करना है, वहां से 4 ऑप्शन आएगा, 4 ऑप्शन से जो ऑप्शन सही है उसको क्लिक कीजिए, वही आपका उत्तर सही है। जल्दी करेंगे सर बच्चे, जिन बच्चों ने अभी तक पोल सेक्शन में उत्तर नहीं किया है जल्द करेंगे सर बच्चे। आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है, सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न में कुछ है नहीं, प्रश्न बहुत ही सरल है। चलिए जल्दी करेंगे सर बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकंड, बहुत बढ़िया, आप बहुत बच्चों ने दे दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अभी भी 2-3 बच्चे बाकी हैं, जल्दी करेंगे। बाकी बच्चों ने दे दिया, जल्दी करेंगे सर बच्चे। जो 2-3 बच्चे बाकी हैं जल्दी करेंगे इसका उत्तर। आपको माइक ऑन नहीं करना है, जैसे मैंने बता रखा है सभी बच्चों को, किसी बच्चे को माइक ऑन नहीं करना है, ठीक है। चलो लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलिए 5 4 3 2 1 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिस बच्चा का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो, और हर एक बच्चे ने इसका उत्तर पोल सेक्शन में दिया है। यानी सभी बच्चों को पता चल गया है कि पोल सेक्शन में हम लोग कैसे उत्तर देते हैं। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी जो है सही है, क्योंकि हम लोग ना ही साइंस पढ़ने वाले हैं ना ही हम लोग इतिहास पढ़ने वाले हैं, हम लोग सिर्फ गणित की विषय पढ़ने वाले हैं। यानी ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। समझ में आ गया सर बच्चों को किस प्रकार से आप लोगों को मेरे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का उत्तर करना है? अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो जल्दी से इसका चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया कि मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर आपको कैसे देना है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गया है तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। सभी बच्चों को करना है, आगे समझ में ना, वाई टाइप करना है। अगर मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर मतलब यहां तक सारी चीजें समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं आया एन टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, मतलब आगे समझ में, बहुत बढ़िया। चलिए अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं जो कि सारे बच्चों को ध्यान से देखनी है। अब से जो 5 मिनट में बताने जा रहा हूं उस 5 मिनट को सारे बच्चे ध्यान देंगे और ध्यान से स्क्रीन की तरफ देखेंगे। चलिए वो कौन सी बात है? तो वो बात है कि हमें ऑनलाइन क्लास शुरू करने से पहले या ऑनलाइन क्लास करने से पहले हमें क्या क्या चीजें करनी है। तो सबसे पहले कि हमें हमेशा शांत जगह पे बैठकर पढ़ना है। किस जगह बैठकर पढ़ना है? शांत जगह पे बैठकर पढ़ना है, ताकि अगर मान लीजिए आप शोरगुल जगह पे बैठ के पढ़ रहे हैं तो क्या आपको कुछ समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा, ठीक है। और क्लास करने से पहले आपको कॉपी पेन पेंसिल लेकर बैठना है ताकि आप साथ के साथ नोट्स बना सको, ठीक है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्लास रोजाना समय से आना है।
जैसे कि आज भी बहुत बच्चे जो है 5 मिनट 10 मिनट लेट हो गए थे, तो हो सकता है आज पहली क्लास है तो आपकी लेट हो गई, लेकिन आने वाले जो भी क्लास होंगे कोशिश कीजिए ये क्लास जो है आप जल्दी से जल्दी टाइम से आया कीजिएगा, ठीक है। चलिए, और चौथा सबसे महत्वपूर्ण बात कि नोट स्क्रीनशॉट बनाने, मतलब मान लीजिए कि आप साथ के साथ नोट लिखते जा रहे हैं बहुत अच्छा है, अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो आपको क्या करना है स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट किस लिए लेना है कि अगर आप स्क्रीनशॉट लिए रहेंगे तो आप बाद में भी नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना अनिवार्य है, ठीक है। चलिए, अब हो सकता है कि मैं क्लास में कुछ पढ़ाऊं तो अगर आपको कुछ भी डाउट रह जाता है तो आपको अपना डाउट अधूरा नहीं रखना है, आपको अपना डाउट जो है अधूरा नहीं रखना है, ठीक है। तो डाउट पूछने के लिए हमेशा चैट बॉक्स का प्रयोग करना है, आपको हमेशा चैट बॉक्स में जाकर अपना डाउट पूछनी है, ठीक है। चलिए, और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण बात कि पोल का जवाब देना है, हमेशा पोल में आपको जवाब देना है। जब भी मैं बोलूं कि मैं क्वेश्चन दिया हूं इसका उत्तर आप पोल सेक्शन में कीजिए, तब हमेशा पोल सेक्शन में जवाब देने के लिए कोशिश कीजिए, पोल में जवाब देना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलिए, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज कि होमवर्क जो है आपको नियमित रूप से बनाकर लाना है, होमवर्क जो है आपको नियमित रूप से बनाकर लाना, जो भी मैं होमवर्क दूं उसको आपको हमेशा 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 क्लास से पहले बना लेनी है, ताकि आप क्लास में उसको बता सको कि सर मैंने होमवर्क बना लिया है। आप अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे ये डाउट है हमको बता दीजिए, ठीक है। अगर आप होमवर्क नहीं बना के आइएगा तो मैं कैसे बताऊंगा आपको। चलिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है या मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, तो ये सारे चीजों से बचने के लिए कोशिश कीजिए क्लास करने से पहले आपका मोबाइल अच्छे से चार्ज रहना चाहिए। आप घर में ऐसे जगह पर बैठ के पढ़ाई करो जहां पे अच्छी नेटवर्क हो, आपके मोबाइल में अच्छा नेटवर्क हो, ताकि आप ऑनलाइन क्लास आसानी से कर सको, ठीक है। अगर इन सारी बातों को अगर आपने अच्छी से समझ लिया है तो एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए, और डबल वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट इसलिए ताकि आप इसको कॉपी पे लिख रखो, ताकि आपको हमेशा याद रखे कि आपको क्या क्या चीजें करनी है। तो आप पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो, ठीक है। पहले आप स्क्रीनशॉट लो, फिर चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है। समझ में आ गया आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, ये तो है कि आपको क्या क्या चीजें करनी है। अब दूसरी बात कि आपको क्या क्या चीजें नहीं करनी है, ठीक है। तो सबसे पहला बात कि आपको कभी भी अनम्यूट नहीं करना है, मतलब आपको हमेशा म्यूट मोड पे रहना है, माइक हमेशा बंद रखना है, माइक बंद रखना है, माइक हमेशा बंद रखना है, ठीक है। कभी भी आपको अपना माइक ऑन नहीं करना है, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे कि सभी बच्चों को पता चल गया है कमेंट सेक्शन के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में अगर आपको डाउट होता है तो आप लोग डाउट पूछिए, अगर डाउट नहीं होता है तो जब तक मैं ना बोलूं कुछ भी टाइप नहीं करना है कमेंट सेक्शन में, मतलब कि कमेंट सेक्शन में आपको अनावश्यक बातें नहीं करनी है। उससे हमारे सारे बच्चे बहुत ही समझदार हैं, उनको सारी बातें समझ में आ गया है, वो ऐसे कोई भी काम नहीं करेंगे, ठीक है, वो शांति से पढ़ाई करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तीसरा बात है, कौन सा बात है वो, तीसरा बात है वो क्या है कि जब भी आप क्लास ज्वाइन करो तो जब तक मैं ना बोलूं कि आपको क्लास छोड़कर जानी है, तब तक आपको क्लास छोड़कर नहीं जानी है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जब तक मैं ना बोलूं कि आपको क्लास छोड़कर जानी है, तब तक आपको क्लास छोड़कर नहीं जानी है, ठीक है। और तीसरा चौथा सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो सबसे पहले आपको अपना डाउट क्लियर करना है, आपका अपना डाउट अधूरा नहीं रखना है। हो सकता है कि आप क्लास के दौरान कमेंट सेक्शन में पूछ के डाउट अपना क्लियर कर पा रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं भी कर पा रहे तो क्लास के बाद रुक जाया करो, अपना माइक ऑन करके उसमें हमसे अपना डाउट पूछ लिया करो, लेकिन माइक ऑन करना तभी है जब आप क्लास के बाद तक रहोगे तब, ठीक है। चलो, अगर इन चार बातों को सारे बच्चों ने समझ लिया है तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाई टाइप करो। अगर इन चारों बातों को आपने समझ लिया है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, डबल वाई टाइप करो। समझ लिया आपने? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, समझ लिया आपने? चलिए, अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर मुझे तो आपने बहुत कुछ बता दिया, अब हम लोग कुछ पढ़ भी लेते हैं। चलिए, उन बातों को
इन बातों को बताना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि आज आपकी पहली कक्षा थी, तो आपको क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या चीजें नहीं करनी है, इसलिए ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले जो समय में हम लोग क्लास पढ़ेंगे उसमें इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आज की कक्षा में कुछ पढ़ लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका जो क्लास का नाम रखा गया है उसका नाम रखा गया है न्यू। उसका क्या नाम रखा गया है? न्यू कार्यक्रम। और न्यू का मतलब ही होता है जब। न्यू का मतलब ही क्या होता है? जब। यानी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग आपके गणित के विषय का जड़ मजबूत करने वाले हैं। तो यानी हम लोग उसी के लेकर हम लोग सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे, शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। शुरुआत से स्टार्ट करने का मतलब क्या है? हम लोग अध्याय जीरो, जिसका नाम है गणित का आधार, यहां से शुरू करेंगे, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स, पूरा जड़ से शुरू करेंगे। ठीक है, और इसमें सबसे पहला टॉपिक आपका आता है पहाड़े टेबल। सबसे पहला टॉपिक क्या आता है? पहाड़े टेबल। कौन सा सबसे पहला टॉपिक आता है? पहाड़े टेबल। अब ये होते क्या है, चलिए देख लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को तो टेबल्स याद होगा। चलिए एक बार पूछ लेते हैं चैट बॉक्स में, कितने बच्चों को 1 से लेकर 10 तक का टेबल, 10 तक का पहाड़ा याद है? 10 तक के पहाड़े याद है, 1 से लेकर 10 तक का पहाड़े कितने बच्चों को याद है? जिन बच्चों को याद है चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जिन बच्चों को नहीं याद है चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। जिनको नहीं याद है वो एन टाइप कर सकते हैं, आपकी इंसल्ट नहीं होगी। अगर आपको याद है, नहीं याद है कोई बात नहीं, मैं आपको याद करा दूंगा और आपको मैं इसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो हमको आता है, फिर आप पढ़ा क्यों रहे हो। बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहे होंगे कि सर ये तो हमें आता है, इतना बेसिक से हमें पढ़ना है क्या? नहीं, देखिए मैं इन सारे चीजों में कौन सा गणित यूज होने वाला है जिसका आपको 9th कक्षा में यूज करना है, वो सारी चीजें सिखाऊंगा। जैसे मैं पहाड़े के साथ साथ इन पहाड़ों में क्या क्या चीजें आने वाली है और क्या क्या चीजें आपको सीखनी है, वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा कि पहाड़ा कैसे बना था और इस पहाड़ा का उपयोग हम लोग कहाँ करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो जल्द से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। अगर आप लोग सचमुच सीखना चाहते हैं तो जल्द से चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, ताकि हम लोग जल्द से क्लास शुरू करें। सीखना चाहते हैं ना? बहुत बढ़िया। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 1 का टेबल से शुरू करते हैं, 1 के पहाड़ से शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए 1 का पहाड़ा कैसे स्टार्ट होगा, चलिए देख लेते हैं क्या होता है। 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 तिहाई 3। चलिए इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 1 8 जा 8, 1 9 जा 9, 1 10 जा 10। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये तो हमें आता है, इसमें क्या रॉकेट साइंस है? चलिए मैं सिखाता हूँ इसमें क्या चीज आपको सीखनी है। चलिए ध्यान देंगे, देखिए 1 1 जा 1 कहने का मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे 1 को 1 बार जोड़ना है। ठीक उसी प्रकार 1 2 जा 2 कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पे हमें 1 को 2 बार जोड़ना है, यानी 1 प्लस 1 कितना आ गया? 2 आएगा। ठीक उसी प्रकार 1 3 जा 3 कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे हमें 1 को 3 बार जोड़ना पड़ेगा, है ना। उसी तरह ठीक 1 4 जा 4 कहने का मतलब हुआ कि 1 को हमें 4 बार जोड़ना पड़ेगा, 1 को हमें 4 बार जोड़ना पड़ेगा, कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। ठीक उसी प्रकार 1 5 जा 5 कहने का मतलब 1 को हमें 5 बार जोड़ना पड़ेगा, 1 को हमें 5 बार जोड़ना पड़ेगा, मतलब 5 आ जाएगा। ठीक उसी तरह 1 6 जा 6 यानी हमें 1 को 6 बार जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो चलिए एक बार सारे बच्चे बता दीजिए हमें कि 1 8 जा 8 इसका मतलब हमें यहाँ पे 1 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से एक बार सर बच्चे, 1 8 जा 8 इसका मतलब हमें 1 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना बार जोड़ना पड़ेगा? 8 बार। कैसे देखते हैं, चलिए 1 प्लस 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 1 कितना बार जोड़ना पड़ेगा? 8 बार, तो हमें 8 प्राप्त होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार 1 10 जा 10 मतलब 1 × 10 कितना हुआ? 10। तो हमें यहाँ पे 1 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे,
1 × 10 10 होता है, इसका मतलब हमें एक को कितना बार जोड़ना पड़ेगा, 1 × 10 = 10, हमें 10 को कितना, बहुत बढ़िया, मतलब हमें 10 को, हमें एक को 10 बार जोड़ना पड़ेगा, 10 times जोड़ना पड़ेगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, है ना। चलिए ठीक उसी प्रकार चलिए प्रश्न सारे बच्चों से कि अगर मैं बोलू 1 × 20 कितना आएगा, 20 आएगा, इसका मतलब हमें यहाँ पे 1 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा। सही बच्चे बताएंगे 120 या 20, इसका मतलब हमें 1 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा, जल्द बताएंगे सर बच्चे, 20 times जोड़ना पड़ेगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यानी 1 को अगर हम लोग 20 बार जोड़ेंगे तो हमें 20 प्राप्त होगा। तो आज से पहले आपको ये कंसेप्ट नहीं पता होगा, लेकिन आज आपने सीख लिया कि पहाड़ा कैसे बनता है, पहाड़ा कैसे बनता है। तो जिसका भी पहाड़ा हमें बनाना है उसको, उस संख्या को बार बार जोड़ने से अच्छा उसको गुना कर दो। जैसे कि मान लीजिए 1 × 2 = 2 होता है, इसको 1 को 2 बार जोड़ने से अच्छा मैंने क्या किया, 2 से गुना कर दिया। ठीक उसी प्रकार 1 को 8 बार जोड़ने से अच्छा मैंने 8 से गुना कर दिया। ठीक उसी प्रकार 1 को 10 बार जोड़ने से अच्छा मैंने क्या किया, 10 से गुना कर दिया। तो यहाँ पे हमने कंसेप्ट सीखा कि किसी संख्या को बार बार जोड़ने से अच्छा उसको गुना के रूप में लिख देते हैं। इसका मतलब किसी संख्या को बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को गुणन की प्रक्रिया कहते हैं, गुना की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में SS टाइप करो। पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में SS टाइप करना है। पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना है, फिर SS टाइप करना है, SS टाइप करना है, ए नहीं टाइप करना, आपको SS टाइप करना है। ठीक है, आपको पहले स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में SS टाइप करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। तो हमने यहाँ पे सीखा कि 1 × 1 = 1, मतलब 1 को 1 बार जोड़ा जा रहा है, 2 × 1 = 2, मतलब 1 को 2 बार जोड़ा जा रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब हम इसके पीछे का एक पहला कंसेप्ट हमने सीख लिया कि एक ही संख्या को बार बार जोड़ने से अच्छा अगर उसको हम लोग गुणा के रूप में लिख देते हैं तो वो पहरा हो जाता है। पहला कंसेप्ट तो पहरा से हम लोग ये सीखे। दूसरा कंसेप्ट चलिए देख लेते हैं, दूसरा कंसेप्ट क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो देखिए, एक में अगर हम 1 से गुणा कर रहे हैं तो हमें 1 ही प्राप्त हो रहा है। ठीक उसी प्रकार अगर हम 1 में 2 से गुणा कर रहे हैं तो देखिए हमें 2 प्राप्त हो रहा है। ठीक उसी प्रकार हम 1 में 3 से गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार हम 1 में 4 से गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार 1 में 5 से गुना करें तो 5 ही प्राप्त हो रहा है। कहने का मतलब हमें कुछ यहाँ से पैटर्न दिख रहा है, एक तरीका दिख रहा है, हमें लॉजिक दिख रहा है। कौन सा लॉजिक दिख रहा है कि हम 1 में जिससे गुना कर रहे हैं हमें वही मिल रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर 1 में हम जहाज से गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें जहाज ही मिलेगा। यानी हम जिससे गुना करेंगे, किससे गुना करें, देखिए हम 1 में जहाज से गुना करें तो क्या मिला, जहाज ही मिला। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हम 1 में अगर 40 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, 1 से 40 में गुना करेंगे क्या मिलेगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, 1 से अगर हम 40 में गुना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, सभी बच्चे बताना है, 1 में 40 गुना करने में क्या मिला, 40 प्राप्त होगा। बहुत बढ़िया, क्या प्राप्त होगा, हमें 40 ही प्राप्त होगा। कहने का मतलब क्या है कि 1 में जिस संख्या से आप गुना करते हैं आपको वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक उसी प्रकार मैं यहाँ पे बोलू 1 में अगर हमें पेन से गुना करूं, कलम से गुना करो तो क्या प्राप्त होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, 1 में अगर हम पेन से गुना करें तो मुझे क्या प्राप्त होगा, चैट बॉक्स में बताएंगे सर बच्चे, क्या बताएंगे, चैट बॉक्स में बताएंगे क्या प्राप्त होगा, पेन ही प्राप्त होगा। इसका मतलब आप लोगों ने सीख लिया कि 1 में जिससे गुना करते हैं हमें वही प्राप्त होता है। देखिए मैंने लिख भी रखा है कि किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। इसका मतलब देखिए 1 में अगर ए से गुना करेंगे तो हमें ए ही प्राप्त होगा। इसका मतलब सभी बच्चे यहाँ पे बताइए, चलिए एक प्रश्न और कर लेते हैं। 1 में अगर हम लोग पी से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, जल्दी बताइए सर बच्चे, 1 में अगर हम लोग पी से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, पी ही प्राप्त होगा। समझ में आ गया ना, यानी 1 में जिससे गुना करते हैं हमें वही प्राप्त होता है। ठीक है, चलो अगर सारे बच्चों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया है तो जल्दी से चैट बॉक्स में अब आपको टाइप करना है SSS, क्या टाइप करना है आपको, SSS। पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में SSS टाइप करना है। ठीक है, पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना है, फिर SSS टाइप करना है।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी बच्चों को पहले स्क्रीनशॉट लेना है, फिर ट्रिपल वाई टाइप करना है। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो ये तो था एक का टेबल। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जिस प्रकार अगर आपने एक का टेबल अगर अच्छे से देख लिया कि एक के टेबल किस प्रकार से आता है, तो उसी प्रकार किसी भी संख्या का टेबल, किसी भी संख्या का पहाड़ा देखिए, सबको उसी प्रकार से देखेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसी प्रकार दो का पहाड़ा देख लेते हैं। किसका पहाड़ा देख लेते हैं? दो का पहाड़ा। तो देखिए दो एक कम दो, दो दूनी चार, दो तियाई छः, दो चौके आठ, दो पच्चे दस, दो छक्के बारह। अब बहुत बच्चे सोच रहे सर हिंदी में इंग्लिश बता दीजिए। टू सेवन जा फोर्टीन, टू एट जा सिक्सटीन, टू नाइन जा एटीन, टू टेन जा ट्वेंटी। अब ये आया कैसे, ये कैसे आ रहा है, चलिए इसको भी सीख लेते हैं हम लोग कैसे आ रहा है। तो देखिए बहुत ही आसान है। टू वन जा टू कहने का मतलब हुआ कि टू को हमें एक बार जोड़ना है, मतलब टू वन जा टू मतलब टू को एक बार जोड़ना है। ठीक उसी प्रकार टू टू जा फोर कहने का मतलब हुआ कि टू को दो बार जोड़ना है, तो दो दो चार हो गया। ठीक उसी प्रकार दो तियाई छः कहने का मतलब हुआ कि दो को तीन बार जोड़ना है, तो छः प्राप्त हो गया। ठीक उसी प्रकार दो चौके आठ मतलब दो को चार बार जोड़ना है, तो हमें आठ प्राप्त हो गया। ठीक उसी प्रकार दो छक्के बारह, यानी इसका मतलब दो को कितना बार जोड़ना पड़ेगा, जल्दी आंसर बच्चे चार बॉक्स में। दो छक्के बारह इसका मतलब दो को कितना बार जोड़ना पड़ेगा, जल्दी आंसर बच्चे चार बॉक्स में। दो छक्के बारह इसका मतलब दो को कितना बार जोड़ना पड़ेगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, दो को हमें छह बार जोड़ना पड़ेगा, तो हमें बारह प्राप्त होगा, है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब सारी बच्चों को समझ में आ गया। चलो ठीक उसी प्रकार टू नाइन जा एटीन इसका मतलब टू को कितना बार जोड़ना पड़ेगा, टू नाइन जा एटीन इसका मतलब टू को कितना बार जोड़ना पड़ेगा, ध्यान से सर बच्चे, टू नाइन जा मतलब नाइन टाइम्स जोड़ना पड़ेगा, दो प्लस दो प्लस ऐसे करके हमको नौ बार जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो हमें अठारह प्राप्त होगा, है ना। चले यहाँ से भी एक प्रश्न कर लेते हैं सर बच्चे के सामने साथ। कौन सा प्रश्न है? दो गुने बीस कितना होगा? चालीस होगा, है ना। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे दो को कितना बार जोड़ना पड़ेगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, चैट बॉक्स में बताइए सर बच्चे कि दो गुने बीस चालीस है, इसका मतलब हमें दो को कितना बार जोड़ना पड़ेगा। क्या जो बच्चे क्लास जो है लेट से ज्वाइन करते हैं, कोशिश कीजिएगा कि अगली कक्षा से आप लोग क्लास जो है जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलो यानी दो को हमें बीस बार जोड़ना पड़ेगा तो हमें चालीस प्राप्त होगा, है ना। अगर ये कंसेप्ट सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। अगर ये कंसेप्ट सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आप देख सकते हैं कि दो का टेबल हम लोगों ने किस प्रकार से बनाया है। तो पहला कंसेप्ट तो ये सीख लिया, अब चलिए अब दूसरा कंसेप्ट सीखते हैं। देखिए किसी भी पहाड़ा को जब हम लिखते हैं तो उनके जो संख्याओं का बीच का अंतर होता है वो एक ही जैसा होता है, समान होता है। जैसे कि देखिए दो एकम दो, दो दूनी चार, इनके बीच का अंतर देखिए क्या है, प्लस टू का दो का अंतर है। दो तीन छो तो चार अच्छे के बीच में कितना का अंतर है, दो का है। दो चौके आठ तो छह और आठ में कितना का अंतर है, दो का है। दो पच्चे दस कितना का अंतर है, दो का है। अब कोई भी अपना माइक ऑन मत कीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, फिर आपको कोई भी डाउट होता है तो अपना डाउट चैट बॉक्स में लिख दीजिए, या आपको माइक ऑन करके अपना डाउट पूछना है तो क्लास के बाद अपना माइक ऑन कीजिएगा और अपना डाउट पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, सिर्फ दो अठे सोलह तो प्लस टू, इसमें भी दो नौ अठारह, इसमें भी देखिए दोनों के बीच क्या अंतर है, दो का। इसका मतलब यहाँ से हम लोग क्या सीखे कि किसी भी संख्या का जब हम पहाड़ा लिखते हैं तो उनके संख्याओं का बीच का जो अंतर होता है वो समान होता है। अगर ये कंसेप्ट भी सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो स्पेस का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में ट्रिपल एस टाइप करो। जल्दी से स्पेस का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में ट्रिपल एस टाइप करो आप लोग। पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में ट्रिपल एस टाइप करना है, ठीक है। चलो आपने लिया, चलो तो आज का आपका होमवर्क है कि एक से लेकर दस तक का पहाड़ा, एक से लेकर दस तक का पहाड़ा आप लोगों को, जिन बच्चों को याद है ठीक है, जिन बच्चों को नहीं याद है वो बच्चे आसानी से याद कर लेंगे,
कोई आपको परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से 1 से लेकर 10 तक का पारा अभी के लिए याद कर लीजिएगा। और आपको याद है बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि आने वाले जो क्लास होंगे उसमें हम लोग 1 से लेकर 10 तक के पारे से संबंधित जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस करेंगे, सारे गुण को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आज का आपका होमवर्क यही है कि आप 1 से लेकर 10 तक का पारा याद कर लीजिएगा, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, और याद है तो बहुत बढ़िया, ठीक है? चलिए आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहां तक किसी भी बच्चा को कोई भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अगर डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपने डाउट पूछ लेगा, अगर डाउट नहीं है आप वाई टाइप करके जा सकते हो, ठीक है? गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट, ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।